हम बॉडी को तो खाना देते हैं लेकिन हमारे माइंड को खाना देने के लिए हम भूल जाते हैं। तो गाइस हम बात करेंगे आज के डेट में, जो आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले सुबह जब आप उठते हैं, तीन हैबिट को आप कर सकते हैं जो आपके लाइफ में पर्सनली प्रोफेशनली आपको ग्रोथ देगा। तो गाइस हम बात करेंगे आज के तीन हैबिट्स के बारे में जो दुनिया के 1% लोग करते हैं और बहुत सक्सेसफुल है आज के डेट में। बोलो तो गाइस हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो पहला हैबिट है जो आपको बिल्डअप करना पड़ेगा, मेडिटेशन। गाइस बहुत लोगों को ये मेडिटेशन नाम सुनते ही नींद आने लगता है, तो मुझे भी आता था जब मैं बहुत इनिशियली ट्राई किया था मेडिटेशन, तो मेरे को भी नींद आया था, तो डेफिनेटली आपको भी लगता होगा। तो गाइस हम बात करेंगे तीन मेडिटेशन वेज में आपको बताऊंगा, जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको नींद हमेशा के लिए नहीं आएगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो मेडिटेशन हमारा पहला पॉइंट है कि आपको रिलैक्स मेडिटेशन क्या करना है, आपको जहां पे आप बैठे हैं, जहां पे आप सोते हैं, कुछ भी आप करते हैं, चेयर में, आपके टेबल में, आप कहीं पे भी बैठते हैं, आपको क्या करना होगा, आपको डायरेक्टली आपको क्लोज आपका आईज करना होगा, आप आंख बंद करिए और आप किसी भी चीज के बारे में सोचिए, किसी चीज को देखते रहिए, या तो आपको आंख बंद करके आप सोचते रहेंगे, पूरे रिलैक्स पोजिशन में रहेंगे आप। ये तो आप आपका जो भी जो ब्रीथिंग है उसका ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो आपको क्या होगा, बहुत पीस फील होगा और आप डायरेक्टली आपका जो भी सोल है आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और सेकेंड जो वे है हमारे मेडिटेशन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है अल्फा म्यूजिक मेडिटेशन। अगर आपको म्यूजिक बहुत पसंद है और आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं आपको विदाउट एनी म्यूजिक, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको यूट्यूब में जाना होगा और वहां पे सर्च करना होगा अल्फा म्यूजिक फॉर मेमोरी डेवलपमेंट, अल्फा म्यूजिक फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, अल्फा म्यूजिक फॉर पीस, अल्फा म्यूजिक फॉर हैप्पीनेस। ये सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपके पास वीडियोस आएगा, उसी में से आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसी वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं और आप ईयरप्लग लगा दीजिए और लगा के आप सुन सकते हैं, पूरा माइंडफुली आप सुन सकते हैं और आप सुनेंगे तो आपको बहुत पीस फील होगा और डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे डेवलपमेंट आ जाएगा। तो ये सेकेंड पॉइंट आपका जो मेडिटेशन है अल्फा म्यूजिक आप ट्राई कर सकते हैं। थर्डली इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओम चैंटिंग। बहुत लोगों को ये करना पसंद नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप ऐसा कर सकते हैं लाइक ओम, ये जो ओम चैंटिंग है आप उसको ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा 108 बार या तो आपके जो भी हिसाब से 21 बार या तो 11 बार, आप जितना बार भी आप करेंगे तो ये आपको दो बेनिफिट देगा। पहला तो आपको मेमोरी डेवलपमेंट हो रहा है, आपको पीस बिल्डअप हो रहा है आपके अंदर, प्लस आपका जो वॉइस है उसमें भी आपको बेटर होगा। तो आप बहुत सारे लोग जो सिंगिंग करते हैं तो ये ट्राई करते हैं ओम चैंटिंग, तो आप भी कर सकते हैं। ये कोई रिलीजन से बेस नहीं है, आप डायरेक्टली आपके वोकल आपके माइंड ये डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल करेगा। ये था आपका मेडिटेशन जो मैंने आपको बताया कि फोकस मेडिटेशन जो आप कहीं पे बैठ के आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आपका जो भी अल्फा म्यूजिक आप प्ले करके आपका मेडिटेशन आप कर सकते हैं, और थर्डली मैंने आपको बताया कि ओम चैंटिंग आप करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट आपको देगा। ये है पहला हैबिट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा जो 1% लोग करते हैं इस दुनिया में। और सेकेंड हैबिट आपको एक्सरसाइज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप डायरेक्टली आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे ही विदाउट एनी इक्विपमेंट्स आप डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताना चाहूंगा जो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देखिए हमको पहले ये मैं एक्सरसाइज करना क्यों है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है या तो ब्लड जो होता है आपके अंदर वो सर्कुलेट होना चाहिए और आपके बॉडी से स्वेट आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो डेफिनेटली आपका जो दिन है एनर्जेटिक नहीं रहता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, बहुत सारे स्ट्रेचिंग होता है, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आपके हैंड ऑफ हैंड डाउन या तो लेग ऑफ लेग डाउन कर सकते हैं, या तो आपका स्क्वाट्स कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, बहुत सारे वेज होता है, आपका जंपिंग जैक कर सकते हैं, ओके देन प्लैंक कर सकते हैं, बहुत सारे आपको लाइक एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं घर में बैठ के। मैं एक एप्लीकेशन का आपको लिंक दे दूंगा जो आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हैं और आप डेफिनेटली बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप याद रखिए, आप मॉर्निंग में 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको दिन भर पूरा आपको फ्री लगता है, एनर्जेटिक लगता है, और जो भी आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे हेल्पफुल करेगा। पहला हो गया आपको माइंड को रिलैक्स दिए, सेकेंड में आपका जो बॉडी है उसको एनर्जी दिए, और थर्ड पॉइंट जो थर्ड हैबिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को नींद भी आता है इस चीज से, जब आप
खोलते हैं उसको नींद आ जाता है। तो आप गेस कर सकते हैं मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, रीडिंग बुक्स। ये रीडिंग बुक्स आपको ऐसा चीज है जो आपको लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट देगा, बहुत सारे स्कोप देगा। तो चार ऐसा आपको बेनिफिट बताऊंगा अगर आप मॉर्निंग में रीडिंग करते हैं तो, चार आपको हैबिट बहुत हेल्पफुल हैबिट है जो आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए पहले आपको मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब भी कोई किताब पढ़ते हैं, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, आप सिलेबस की किताब मत पढ़िए। मैं आपको बताना चाहूंगा आपका जो सिलेबस है उसको मत पढ़िए। आपको क्या करना होगा, आपका जो भी सेल्फ हेल्प बुक्स होता है, कोई फाइनेंस बुक होता है, सेल्फ हेल्प बुक्स होता है, जो भी ऑथर का होता है, यू कैन विन पढ़ सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड या तो थिंकिंग थिंक एंड ग्रो रिच, ये बहुत सारी किताब होता है जो आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको चार बेनिफिट मिलेगा जो आप मॉर्निंग में उसको फील कर सकते हैं। पहला बेनिफिट ये है, अगर आप रीडिंग बुक्स करते हैं तो आपको मॉर्निंग में इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड फील होता है। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इंस्पिरेशन और आपको मोटिवेशन फील होगा, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। सेकेंडली ये मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सुबह सुबह उठ के अगर मोबाइल या तो टीवी देखते हैं तो इससे अच्छा है कि आपको बुक्स पढ़िए, क्योंकि अगर आप टीवी देखेंगे, न्यूज देखेंगे तो बहुत सारे नेगेटिव चीज आपके दिमाग में आता है जो आपको मॉर्निंग में पूरा नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिविटी रखने में आपके अंदर बहुत सारे हेल्पफुल करेगा रीडिंग बुक्स। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको बहुत सारा आइडियाज, बहुत सारे इनसाइट्स आपको मिलेगा। जब आप बुक्स पढ़ते हैं बहुत सारे आपको न्यू आइडियाज मिलता है, बहुत सारे इनसाइट्स मिलता है जो आपके लाइफ में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और फोर्थ बेनिफिट ये है कि आपको पर्सनल ग्रोथ देता है। आप अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ेंगे तो आपको फाइनेंस के लिए ग्रोथ देगा, अगर आप यू कैन विन पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको पर्सनली जो आपको डेवलपमेंट है आप उसको कर सकते हैं। तो बहुत सारे किताब होता है जो आपको बहुत सारे डेवलपमेंट देगा, पर्सनल ग्रोथ देगा, आपको न्यू आइडियाज देगा, इनसाइट्स देगा। तो ये रीडिंग हैबिट्स को बिल्डअप करके आप डेफिनेटली आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो मैं जो आपको तीन हैबिट्स बताए ये केवल याद रखिएगा 1% लोग करते हैं इस दुनिया में। तो अगर आपके लाइफ में आप 1% लोगों में आना चाहते हैं तो ये तीन हैबिट्स को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। डेफिनेटली जब से मैं उसको ट्राई किया हूं डेफिनेटली माय लाइफ इज चेंज्ड 360 डिग्री। तो आप उसको यूज कर सकते हैं और आपको बिल्डअप कर सकते हैं ये तीनों हैबिट्स को जो आपके लाइफ को पूरा चेंज कर सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद है प्लीज लाइक करिए, बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे अपडेट आपको मिलता रहे, फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलता रहे, और हमारे जो फेसबुक पेज है और हमारे इंस्टाग्राम पेज है उसको लाइक करिए और फॉलो कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू गाइज़।